अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप इलेक्ट्रो स्क्वाड, इट्स योर बॉय मिस्टर इलेक्ट्रो इन द हाउस। और आज हम लोग दोबारा से स्कूल लाइफ में वापस जाने वाले हैं। यस गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पुली। तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्ले गेम प्ले सीरीज की लिंक पिन है, प्रीवियस एपिसोड देख कर आ जाओ तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने रसल को बहुत ही गंदी तरीके से पीटा था। और वो फाइट भी एक गलत फहमी की वजह से हुई थी, जो कि गैरी ने रसल को गलत गलत बातें बोली थी हमारे बारे में कि हम उसकी मॉम को गलत गलत बोलते हैं। इसी वजह से रसल और पूरी वाइट यूनिफॉर्म वाली गैंग जो है वो रसल की गैंग है। तो वो गैंग हमें बार बार परेशान करती थी और रसल भी हमें इसी वजह से मारता था। लेकिन हमने उस फाइट के बाद रसल को सारी हकीकत बता दी और अब वो बन चुका है हमारा दोस्त। और चैप्टर 2 भी हमारा स्टार्ट हो चुका है और स्कूल का गेट हमारे लिए ओपन हो चुका है। और अब हम लोग बाहर जाके नए लोगों से मिलेंगे और नए लोगों की रेपुटेशन और नए लोगों के सामने अपनी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी कर देंगे। और नए लोग ही हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं कि भाई आके हमारे लिए काम करो, क्योंकि हमने रसल को पीटा तो उससे काफ़ी ज़्यादा हमारी रेपुटेशन बढ़ चुकी है। तो बिना किसी इंतजार के फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स किक ऑफ। गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने स्कूल के अंदर जहाँ लास्ट टाइम मैंने अपनी गेम प्ले वीडियो एंड करी थी। और अभी भाई यहाँ पर है ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग ट्रेस मार्किंग कर रहे हैं। गाइस, इस गेम के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने शायद देखा था कि ओके भाई ये कैंटीन वाली आंटी हमें पकड़। लास्ट टाइम भाई हमें प्रिंसिपल ने बोला था कि इस कैंटीन आंटी को भी अपने कुछ काम करवाने हैं। भाई सिगार पीते पीते खाना बना रही है। नाइस। और फिर यार शट अप, हमारे आने के अंदर फाइबर टू अब बंदा यू वांट टू गिव इट अ शॉट जीते दो भाई। और हमने वो अंदर आके छींके लग गए यार। आई हैव गॉट परफॉर्मेंस एंग्जायटी। कैन सी द खाना नहीं खाता। बाय द वे इनकी बातें तो चलती रहेंगी, फटाफट से सारी मॉम पे चलते हैं जो कि है गेट एग्नान माइस को। ओके, अभी तो गाइस फिलहाल की टाइम क्लास चल रही है, इसलिए मुझे ना चुपके से बिल्कुल आराम आराम से जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीफेक्ट्स जो है वो हर टाइम हमारी ताक में रहते हैं। सामने की तरफ में एक प्रीफेक्ट है, लेकिन उससे मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ अपनी मक स्केट बोर्ड पर पौना मतने। और लास्ट टाइम में आप लोगों को याद ही होगा, जिसके लास्ट के वीडियो देखी है, कि हमारे स्कूल का गेट जो है वो ओपन हो चुका है और हम लोग अब भी भाई बाई साइकिल पे जाने वाले हैं। ओके फाइन, अब फेटना दाई जब ओके। तो अब भी हमारे पास बहुत कम टाइम है और थोड़ा बहुत चलते हैं एडनान चीज़ें देखनी है। ओके ओके, तो अब भी हमें मस्त से थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा भाई। ये शहर तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग भी है। बाय द वे यहाँ पर पुलिस की बाइक में भी चिंग आ रही है भाई। यहाँ पर पुलिस की बाइक मेरे पीछे क्यों आ रही है, व्हाई यार? व्हाट इज दिस बाइक, व्हाट इज दिस मैन? ये आई डोंट नो, इसको तो मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ से साइकिल पर बैठ, साइकिल पर निकल 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 निकल। अभी हम लोग निकलने वाले हैं क्योंकि ये पुलिस वाला अभी हमारे पीछे पड़ चुका है। ये पुलिस वाला तो मेरे पीछे इतना पड़ा है ना, क्योंकि गाइस का एक साथ में टाइम हो रहा है, वाला मेरे पीछे पड़ गया है भाई। अब साइकिल पर फटाफट से वापसी बैठता हूँ और निकलता हूँ फटाफट से यहाँ से। भाई इसके आइटम्स यहाँ पर है। ओके ओके ओके, अभी साइकिल से उतर के शॉप के अंदर फटाफट चलते हैं। इससे पहले ये पुलिस वाला हमारे साथ अंदर अंदर आए, हम लोग फटाफट से एडनाथ से आइटम खा लेते हैं यहाँ से। ओके, अभी हम फटाफट से जाने वाले हैं बाहर, और बाहर खड़ा होगा एक इंडियन पुलिस वाला, जो कि हमारी सलाह में बीवी होगा। ओके, गुत्ता का मारा इसने मुझे, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी फिलहाल साइकिल पर बैठना पड़ेगा मुझे। निकलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो। फिर सामने वाली मिडनाइट की तरफ चलते, सामने वाली शॉप की तरफ चलते हैं जो कि बिल्कुल ठीक यहाँ पर है। इससे पहले कोई और भाई आए, हम लोगों को भी अंदर जाने ही पड़ेगा। ओके, साइकिल बाहर खड़ी करने थोड़ा बस से चलते हैं। वही एडनाथ आइटम्स के चक्कर में ना मुझे अभी पुलिस पकड़ लेती। अभी तो फिलहाल मेरा शो डाउन मीटर थोड़ा सा डाउन हो चुका है, लेकिन अभी
आइटम्स कलेक्ट करने हैं। दो आइटम्स हमारे हो चुके हैं कलेक्ट, तो फटाफट से चलते हैं हम लोग तीसरा आइटम कलेक्ट करने के लिए। किधर है किधर है किधर है किधर है? ओके यहाँ से राइट साइड में मुझे मैप में लोकेशन बी जा चुकी है और यहीं पर ये शायद शिपोर्ट शॉप। ओके ये बार्बर शॉप है, इधर अपनी साइकिल पार्क कर देते हैं और फटाफट से अंदर चलते हैं। बाय द वे ये हमारी साइकिल नहीं है, नहीं ये किसी नॉर्मल बंदे की साइकिल है, ये जो वो कैंटीन में आंटी काम करती है मिसेस एडना, तो ये एडना की साइकिल है और उसी ने हमें दी है। यूज़ द बी बस स्टॉप टू गेट बैक टू स्कूल क्विकली। ओके गाइस अभी मैंने वो तीनों आइटम्स कलेक्ट कर चुके हैं, एक मैम चीज है जो एडना ने मुझे बोले थे और अभी मैं बस स्टॉप पर आ चुका हूँ जो डायरेक्टली मुझे भाई अपने स्कूल के गेट पर उतारेगी। और ये रहे बस स्टॉप और इस बस से मुझे अभी गाइस मैं तो भूल गया था टाइम सब रह गया, तो इस बस ने मुझे डायरेक्ट स्कूल के अंदर उतार दिया है। ये स्कूल से मुझे डायरेक्ट वहाँ पर लेके जा सकती है और वापस स्कूल पे भी ड्रॉप कर देगी बाइक, क्योंकि मुझे ऑल द वे साइकिल से भगाते हुए यहाँ तक आना नहीं पड़ेगा, तो मेरा टाइम भी काफ़ी सेव हो जाएगा। तो फटाफट से भाई एडना को उसके आइटम देने चलते हैं और इससे बोलते हैं कि भाई कैंटीन में ना थोड़ी सही से सफाई रखो और सफाई वाला खाना बना, गंदा खाना बना रही है तभी कैंटीन का भाई खाना खाता नहीं हो बिल्कुल भी। फिर जिम्मी की शक्ल देखो तभी आपको पता है बच्चों की शक्ल कैसी। भाई ये गंदा एक्सपायर हो जाता है, मींस कि अगर रात में कोई खाना खाने आएगा तो भाई उसकी तो वाट लग जाएगी। तो अभी हमें $50 मिले हैं, पार कर लिया अपने मिशन। सिर्फ एक काम इसने हमसे करवाना तो नहीं होगा, बाकी और भी काम होंगे इसको हमसे, लेकिन अभी फिलहाल हमारी क्लास का टाइम हो चुका है तो थोड़ा बच्चे क्लास लेने तो नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर क्लास लेते रहे तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम लोग इस गेम प्ले सीरीज़ को जल्द से जल्द एंड नहीं कर सकते। और मुझे भी इसका एंड भाई बहुत ही जल्दी देखना है कि हम लोगों को एंड में क्या करना होगा और लास्ट सेक्शन इसका कौन सा होने वाला है। तो यार गाइस मैंने सोचा है भाई अभी आंटी के पास दोबारा चलते हैं जो कि कैंटीन में बैठी होती हैं, बल्कि कैफेटेरिया में, कैफेटेरिया में जो आंटी हैं भाई वो इधर है। ओके कैफेटेरिया में किसी आंटी का मिशन ही नहीं है इसलिए मेरे कैमरे को क्या हो गया था, कोई नहीं ग्लिच था। तो गाइस यहाँ पर शायद से कोई टास्क है इंग्लिश की क्लास का, तो बस इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, बल्कि क्लास नहीं है एक मिशन है तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने सोचा है गाइस अब हम लोग कोई क्लास डायरेक्ट मिशन करेंगे, काफी ज्यादा लंबा है और इसको हमें जल्द कंप्लीट करके और भी तो गेम्स खेलने हैं। You're drunk. What? I can smell it on your breath. I can see it in your eyes. I'm not drunk. Drunk? In charge of children. What kind of monster drinks in front of children? तो गाइस ये हमारा इंग्लिश का प्रोफेसर यहाँ पर बैठ के अल्कोहल पी रहा है। तुझे डीन है, डीन बोलेंगे उनको शायद से, हेड सर बोलेंगे, उसने भाई साहब उसकी बॉटल जो है वो अल्कोहल की वो छुपाती हैं, तो अभी फिलहाल हमें उसकी वो अल्कोहल की बॉटल जूम के देनी है। मिस्टर हैट्रिक की नाम भी क्या सर का है, मिस्टर हैट्रिक। फाइंड द बॉटल इन द बाथरूम। आई लूम द वेट ओ ओ ओ रोनेस द ऑल इज द भागो भागो मेरे से बट भी पैसा हो गया। एक और लेडीज प्रोफेसर बढ़ चुकी है मेरे पीछे, तो अभी मेरा तो बस तो खतरा हो जाएगा। ओ भाई साहब मुझे नहीं बता दे बहुत खतरा है, पर कोई मुझे पकड़ने में लगा हुआ क्योंकि वो कह रहा है मेरे पास बॉटल है। ओके फाइंड द बॉटल इन द ट्रॉफी केस। ओके यहाँ पर तो बॉटल नहीं है, मैं फालतू में यहाँ घूमे जा रहा हूँ, नीचे एक और बॉटल होगी जो कि ट्रॉफी केस में है। कैफेटेरिया में बॉटल 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 इधर कहीं पर ओके 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 मेरे पीछे एक प्रीफेक्ट प्रीफेक्ट आ चुका है, भाई उस प्रीफेक्ट को छोड़ दिया हमें, पहले तो बॉटल ढूंढेंगे कि बॉटल कहाँ पर छुपा रखी है। व्हाट हैव वी हियर? भाई हमें सेकेंड बॉटल मिल चुकी है और किसी ने हमें उस बॉटल को उठाते हुए नहीं देखा, पर थर्ड बॉटल जो है वो हमें इधर ही कहीं मिल जाएगी, उसको चेक कर लेते हैं फटाफट से।
third bottle, where we find the third bottle, okay, trophy case ke andar, bola tha inhone usse shayad se, to isko open karu kya main? You may wait quietly. मैं जिधर तो हो नहीं सकती, ट्रॉफी केस के अंदर ही होगी. ट्रॉफी केस के अंदर क्या करना होगा मुझे? गाइस ये तो समझ नहीं आ रहा है कि ट्रॉफी केस के अंदर बॉटल क्या कर रही होगी. तो अभी क्या मैं इसको तोड़ दूं? ट्रॉफी केस को मैं कैसे तोड़ूं? वो समझ नहीं आ रहा. गाइस अभी रात हो चुकी है और मुझे फटाफट से वो बॉटल उठानी होगी यहाँ से. अभी तो फिलहाल मैं छुपता हूँ जाकर फटाफट से. गाइस अभी फिलहाल मैंने ना यहाँ से वो बॉटल निकाल ली है जो कि ट्रॉफी केस के अंदर छुपी हुई थी, लेकिन अभी टाइम है ना अप हो चुका है, तो अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि स्कूल का टाइम यहाँ पर ऊपर हो चुका है और उस टाइम के बाद स्कूल के अंदर रहना ट्रेसपासिंग कहलाता है. तो अभी फटाफट से मैं यहाँ से भाग जाता हूँ भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़तरा हो चुका है. स्केटबोर्ड फटाफट से यहाँ पर निकाल देते हैं. आई होप आप लोग भी इन्जॉय करोगे गेम प्ले सीरीज़, तो फटाफट से लाइक का बटन दबा देना अगर इन्जॉय कर रहे हो. तो नहीं इन्जॉय कर रहे हो तो प्लीज़ छोड़ोगे तो मत जाना यार, देख लो क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे मिशन आने वाले हैं. ओके यू वेलकम मिस, प्लीज टेक दिस. ठीक है भाई ये क्या हो रहा है? हमें तो मिस्टर हैट्रिक की बॉटल देनी थी ना. You have earned the ability to enter photography class. Okay, भाई फोटोग्राफी की भी क्लास मिल गई है, लेकिन हमें क्लासेस नहीं लेनी. अगर आप लोग कॉमेंट्स में नीचे बोलोगे तो मैं क्लास की दूंगा. तो फटाफट से कॉमेंट्स कर लो. यू हैव अनलॉक द प्रैप चैलेंज, कम्प्लीट द चैलेंज एंड वी विल अर्न अ न्यू सेव लोकेशन. के गाइस अब भी वाला चैलेंज कंप्लीट नहीं करेंगे आप स्पॉन ऑफ स्थिति पे, जो कि है हमारा नया चैलेंज. तो के गाइस अब भी मैंने स्टार्ट कर लिया अपना नेक्स्ट टास्क जो कि होने वाला है भाई साहब. अब भी हमें जाना होगा भाई जी, क्या है इसकी बाइक एंटी पीएम से बाइक चला के भाई हम लोग ने निकल के यहां से, ताकि ये लड़का हमारे पीछे आए और कुछ यार की बहुत आसान हो जाए. और ये लड़की ना होती है इट्स लॉक देयर. ओके ये जिसकी बाइक थी जो हमने पैसे चुराई थी, पर वो अब हार रही है. जगह आता ये, लेकिन आप ही हमें थिएटर पर वापस जाना होगा ताकि हम लोग इजीली भाई यूनी से बात कर सके. लेकिन ये पुलिस वाला भाई तेरी यहाँ से छोड़ रहा, ये भी पुलिस वाला ये मेरे पीछे आ रहा है, इसको तो मैं बाद में ही देख लूँगा, लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे पुलिस वाले से बचना होगा. तो अभी गैस मैंने पुलिस वालों से छुटकारा ले जाना और मैं वापसी यूनी के पास जाने वाला हूँ और बड़ा वक्त चलते हैं भाई यूनी के पास. अब भी मुझे यूनी को चॉकलेट्स ला के देनी है. तो यम मार्केट पर मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर से मैं यूनी के लिए चॉकलेट्स लूँगा और भाई उसको खुश. तो यहाँ पर बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स हैं, ये हमें बाय करनी होंगी. ये बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स कर लिए भाई हमने परचेस और अभी आ चुकी है हमारे पास बॉक्स ऑफ चॉकलेट. तो फटाफट से यूनी के पास चलते हैं उसको ये देने के लिए. गिव द चॉकलेट्स टू यूनी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था यूनी को हमने चॉकलेट दिया. तो फटाफट से यूनी के पास चलते हैं उसको चॉकलेट देने के लिए. तो यूनी हमारे करीब थी है, ज़्यादा दूर नहीं है मूवी थिएटर. तो यूनी करीबी है मूवी थिएटर पर वहाँ टू आर्टिस्ट है. फटाफट से आप लोग की टाइटल पास करके इसको हम दे देते हैं हैंडसम चॉकलेट. नाइस भाई, इधर हमने इसको चॉकलेट दे दी है और लीड यूनिट डुवर्स चैम्पियंस जिमी वेब सीन यूनिट स्पॉट. ओके लिटिल टू द सीन ऑफ बुगैट हर. ओके शायद से हमें उसने हाथ पकड़ के उसमें याद नहीं है, शायद से कहीं उसने छोड़ना है. तो अब भी तो फिलहाल इसका हमने हाथ पकड़ लिया और थोड़ा वक्त से इसको लेकर चलते हैं भाई साहब. लास्ट टाइम कोई जहाँ पर भाई इसको हमें छोड़ना है. तो ये बैकग्राउंड का म्यूजिक कैसा है भाई साहब, क्या होने वाला है समझ नहीं आ रहा बिल्कुल. इसको लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मैंने इस चीज़ को जान करना है.
ये बड़ी चीज नहीं होता, और ये आप बंदा की क्या चुकी है भाई, इसलिए ला कर इसको यहाँ पर। चलो चलो अभी तो थिएटर में हम वापस आ चुके हैं। अप्रोच ट्रेंडेड फिर भाई, ये बंदा भाग रहा है यहाँ से। लेकिन यहाँ पर अभी लड़की जो है उसको खुश हो चुकी है। और Well, I do have okay, yeah, much to be bonded here, but okay. Well, no, okay. Nice girls like nice flowers. Okay. Here's it's the least I can. Is that anyway? So okay. Exactly. Yeah, मैं वैसे देखिए पर वो है डैडी के दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ इतने वैसे मांग लेंगे। Oh, okay. I'll walk through your class. So just all right. Shoot the garage set कर लेंगे तो अब भी गाइस फाइनल नहीं होने वाला था। Oh, baby dog. But main dog. लड़की ने ये कर अब थोड़ा बच्चा भाई हमारा टाइम आ चुका है कि हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ चले, जो कि शायद से होने वाला है एक और ट्रैप चैलेंज। ट्रैप चैलेंज इतना मेन टास्क नहीं है क्योंकि येलो स्टार्स वाले जो है वो मेन टास्क होते हैं। तो अब भी थोड़ा बच्चा भाई हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो कि शायद से पता नहीं कौन सा होने वाला है, शायद से कोई नया टास्क अनलॉक हो सकता है यहाँ पर आस पास में। अभी फिलहाल अभी तो स्कूल की तरफ चलते जाने, तो स्कूल की तरफ चलते हैं भाई थोड़ा बच्चे। तो भाई दोपहर में आपको बॉक्सिंग कप के बाद ट्रैप चैलेंज करने के लिए, क्योंकि उसके अलावा भाई मेरे पास कोई भी चारा नहीं था कि मैं कहां पर जाऊं। तो अभी ट्रैप चैलेंज करने के लिए मैं यहां पर आ चुका हूं बॉक्सिंग चैलेंज पे, बॉक्सिंग रिंग में, सॉरी बॉक्सिंग क्लब के अंदर। और अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है भाई बॉक्सिंग। यहाँ पर कोई बॉक्सिंग टूर्नामेंट है भाई साहब, मे बी आई कैन यूज दिस $1,000। और यहाँ पर हमारा एक बॉक्सिंग टॉर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर हमें यहाँ पर दो को दो है भाई, आते हुए हमारा तो दाखिला होने वाला है चैप से, और इस चैप को बहुत कभी रात है इस महीना बनेगा इसका बार। तो अब इन चैप से बहुत जस्ट तरीके से धोए हम लोग भाई का और चैप को वो वाटर बहुत इट्स यस क्लोज सो दैट्स द बेस्ट पिक आई सॉ वन गॉट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द वंडर हाउ दिस इज स्टिल स्टैंड We'll give you that old abandoned okay, beach house. Okay. Should be nice once you clean it up. उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हमें prize वगैरह मिलेगा नहीं, क्योंकि boxing club के हम लोग regular member नहीं है, इसलिए हम लोग को कोई prize नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने हमें club house दे दिया है, जो कि हमारे लिए काफी फायदा है, क्योंकि हमें अपना safe location जो है भाई सिर्फ school ही होता था, जहाँ पर boys dorm में जाके हम लोग अपना गेम सेव कर सकते थे। पर अब भी हम लोग इस बीच हाउस में भी जाकर अपना गेम सेव कर सकते हैं इजीली। तो अब भी गाइस करंट बुक ऑन द रडार इज योर न्यू क्लब हाउस, तो फटाफट से चलते हैं भाई अपने न्यू क्लब हाउस और सेव कर लेते हैं भाई अपना गेम। फटाफट से चलते हैं बिना किसी देरी के आप लोग अपने न्यू क्लब हाउस और चेक करते हैं कि वो कैसे है। Let's go guys, अब भी फिलहाल हफ्ते दो बाइक मॉल चुके अपने नए से हाउस में खो के भी कुछ बीच के बॉर्डर्स पर ही है। By the way, यहाँ पर वसली ताज खेलने के लिए टेबल लगी हुई है, इस घर में एक फायर प्लेस भी है, मंथ का कार्पेट बिछा हुआ है, और यहाँ पर एक बेड भी है सोने आराम आराम करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर सो नहीं सकता क्योंकि हम लोग सोने का सिर्फ एक ही जगह है, जो कि हमारा स्कूल की बॉयज डॉर्म है, और यहाँ पर एक बेड है। अपने कार साइड को फेंक देते हैं और थोड़ा वक्त भाई अपना गेम सेव करके चलते हैं। By the way, यहाँ पर एक गेम खेलने के लिए भी, और यहाँ पर बेड रोड तेरे तो कई सुखा चीज मिले हुए यहाँ पर नंबर भी है। बाय द वे जल्दी भी गेम सेव कर रहे हैं और थोड़ा वक्त से चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क के लिए, जो कि लेट्स गो गाइस। मैं अभी आ चुका हूँ अपना गेम सेव करके, और बहुत ही प्यारा मत सेफ हाउस है भाई बीच के कॉर्नर पर। और अब हम लोग अपनी साइकिल बढ़ा दे रहे हैं मस्त चलेंगे अपना नेक्स्ट मिशन करने के लिए, जो भी होने वाला है दी एक्स। तो थोड़ा वक्त से चलते हैं अपना नेक्स्ट टास्क करने के लिए। नेक्स्ट टास्क करने के लिए मुझे एक्वागार्ड स्वेटर बाय करना होगा, तो मैं आ चुका हूँ क्लोथ शॉप पर, और यहाँ से बाय कर लूंगा भाई एक्वागार्ड स्वेटर।
बाय द वे बॉक्सिंग क्लब के लड़कों ने मुझे बोला है कि मुझे एक्वाबेरी स्वेटर बाय करना है ताकि मैं उन जैसा दिखूं और फिर उनके टास्क करने पड़ेंगे मुझे। तो अभी फिलहाल फटाफट से ये है एक्वाबेरी स्वेटर $17.50 का, तो इसको बाय कर लेते हैं। मैंने कर लिया इसको परचेज और मैं फटाफट से जाने वाला हूँ अब बॉक्सिंग क्लब भाई। उनके जैसा स्वेटर भी मुझे बाय करना था, उसके पैसे भी उन्होंने नहीं दिए थे मुझे, मुझे अपनी पॉकेट में लगाने पड़े। तो आप ही बनाते अपनी बाइक पे बैठते हैं जाते हैं बॉक्सिंग क्लब। फटा मतलब दो लड़के यहाँ पर खड़े थे उन्हीं जैसे लोगों के, तो आप ही फटा मतलब चलते हैं बॉक्सिंग क्लब। लोग यहाँ से लेफ्ट पर है ओके भाई, यहाँ पर जाता हूँ और ये रहा बॉक्सिंग क्लब। तो फटा मतलब एंटर होते हैं भाई अपने बॉक्सिंग क्लब के अंदर। बाद में मैंने तीन बंदों को यहाँ पर बेड दिया है, लेकिन अब स्टेयर्स चलते हैं ताकि अपना नेक्स्ट टास्क शुरू कर सके जो कि होने वाला है दी एक्स। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो गाइस। अब भी फिलहाल मेरी और लड़कों से बात हो चुकी है और वो बोल रहे हैं कि हमें कुछ अच्छे खरीदने जनरल स्टोर से और इसके बाद टेंट हाउस जा रहे हैं। तो अब भी फटाफट से मैं पहुंच चुका हूँ जनरल स्टोर जो कि यम यम मार्केट, यहाँ से हम बाय कर लेते हैं एग्स और उसके बाद फटाफट से चलते हैं टेंट हाउस। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर मैंने अंडे ढूंढ लिए हैं और मैं फटाफट से इनको कर लूंगा बाय। और अब कर लिया हमने कार्डन ऑफ एग्स परचेज और फटाफट से हम लोग चलते हैं टेंट हाउस अपनी मस्त सी बाइक भगाते हुए। ठीक क्यों है टू द टेंट हाउस, पता नहीं अंडे ले जाके वहाँ पर क्या करना है, या हमें उसको मारने हैं या वो हमें मारेंगे, इसको हमें तैयार रहना होगा बिल्कुल। लेट्स गो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं टेंट हाउस के बाहर और फटाफट से अंदर गेट खोल लेते हैं और अंडे देखते हैं भाई किसको मार रहे हैं किसको दे रहे हैं। गाइस वैसे मैं सोच रहा हूं कि मेरे लिए ट्रैप भी हो सकता है क्योंकि लड़के से चलते भी है, क्योंकि मैंने बॉक्सिंग जब मैं इनके टीथ बॉक्सर्स को बहुत ही गंदी तरीके से टूटा था। तो अभी मैं तो पहुंच चुका हूं भाई उसकी कार के मेन गेट पर जहां पर उसकी कार पार्क हुई हुई है। By the way, यहाँ तीन लड़के बात कर रहे हैं और Got the eggs, Hopkins? You bet. Then give them to me. Take them. Okay. Smash it. Now tell me, Hopkins. Is it true you said I was inbred? No. No. Because first cousins is legal, my friend. Legal. Inbred. Okay, भाई ये लोग इनबेड नोटे की शुरू हो गया भाई, मैंने इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो अब भी फिलहाल मैं इनके यार्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। बाद में तीन गेट पर से एक लड़का खड़ा हुआ, उसको पहले पूछते हैं आए पे हमें गेट की लीनी है। ओके ये लड़का हमें दिख रहा है जिसके बाद गेट ली है, तो बड़ा मत इसको धूप पे मॉर्निंग कितनी तरह से ये सही है देखिए तुझे तो अपना ध्यान रखा दो ये दोबारा एक बोले कमर यादव सॉरी सॉरी वहाँ से लड़के भैया अड्डे बार में गेट और के हाथ में गेट की ले लिया और फिर सख्त वो कुछ पूछते भाई गेट से बाहर निकल जाता हूँ और मेरा लेट्स गो गाइस। अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने स्कूल वापस, बस स्टॉप के जरिए बस खिलाई थी मैंने और फटाफट से मैं अब चलता हूँ भाई सोने के लिए क्योंकि रात का टाइम हो चुका है, तो हम जा रहे हैं भाई सोने के लिए। लेट्स गो गाइस, रात का टाइम ये सो गया था और हाँ तो हमें नेक्स्ट टास्क करने के लिए भाई फ्लावर्स की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ से कुछ फ्लावर्स प्लक कर लेंगे और फटाफट से चलेंगे भाई अपनी साइकिल पर बैठ के नेक्स्ट टास्क की तरफ। लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल मेरे उस लड़की से बात हो चुकी है और उससे मुझे भाई अपनी कार्टिवल पे बुलाया है और मैं बड़ा वक्त जा रहा हूँ भाई कार्टिवल के रोड पर ही हूँ। साथ में कार्टिवल है भाई इतने टिकट खरीदते हैं बड़ा वक्त से अंदर चलते हैं 1 AM से भाई, पहले पहले हमें कार्टिवल के अंदर पहुँचना है और उस लड़की का उस लड़की को कुछ स्टॉल्स सारा जीत के देने हैं शायद जैसे कुछ टिकट्स जीत के दे रहे हैं, तो उससे मन है उससे पहले पहले हम लोग वो मोबाइल वाइज अपनी एड थ्री क्यों नहीं मिलेगी टिकट टिकट खरीदने पड़ेंगे। माया लड़का मेरे बीच में पड़ चुका है इसको अभी बहुत गंदा घूम चुका भाई ये निकल गया आसान टिकट यहाँ से बाय करता हूँ खराब से अंदर चलता हूँ इनके जितने इसको वहाँ पर बस सुना जो आते जाएंगे जीत सके। तो अभी मुनावत से हम लोग कुछ गेम्स खेल लेते हैं और इसको तकरीबन 10 टिकट हमें जीत कर देने हैं। अभी यहाँ पर मैं एक और नया गेम ट्राई करने आ चुका हूँ जिसका नाम है ग्लैड जैन। इस टारगेट पर डायरेक्ट कर गिरे तो पढ़ा बच्चे बॉल कर जान कर मारते हैं ताकि तो 3 टिकट्स इस गेम में मैंने पहली बारी जीत लिए हैं।
तो भाई इसी गेम को रिटायर गाइस अब भी हमने जीतने भाई 10 टिकट एक ही गेम को खेल के अब इस लड़की को भाई पिंकी नाम है फायदे में इसका इस लड़की को हम हमें भाई सर एक नई का ये तो नहीं है भाई तीन नहीं 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 भाई आज नहीं है और नहीं है और नहीं है बताओ यार नहीं है भाई और ये नहीं लगा भाई तीन ने साथ दिया दिए ये सही है भाई ओके वो तरफ खड़ी है ये नहीं इसको अपने पास लेके जाना है मैं और वहाँ पर वहाँ से बेयर बचता भाई कुछ शौक था हमें इसको बेयर चला रहा है स्टेट टिकट वाला तो बड़ा वक्त से भाई चलते हैं इसको बेयर चला दीजिए बहुत के हैं उस टेंथ पर जहाँ से हमें मिलने वाला है वो बेयर तो इस अंकल से बात कर लेते हैं अंकल जी बड़ा वक्त से हमें टेंथ टिकट्स वाला बेयर दे दो ओके ये टेंथ टिकट्स वाला बेयर है इसको बड़ा वक्त कर लेते हैं परचेज पहले टू टिकट बचे हो लेकिन सब उतने में कुछ नहीं आएगा बड़ा बच्चे चलते हैं बिग्गी के पास और इस बेयर को उसको दे देते हैं बिग्गी के लिए बेयर मटेरियल कर लिया उसको ये दे दिया थैंक्स फॉर अ ग्रेट डेट जिमी ओके ये डेट चल रही थी भाई की सी यू ऑन द बेंच एंड वन मंथ ओके व्हाट द गाइस ऑन अब मॉडर्न एवेंट रिफैक्ट वन एडिशन बात हो गया देखिए ये काफी ज्यादा बकवास मिशन था और आ जाते हैं भाई नेक्स्ट मिशन की तरफ चूंकि होने वाला पैंती रेड या रेस द वेल जिसके कारण भाई जो गरीब होगा भाई उसको पहले कर लेंगे तो बड़ा वस्ते हैं सब से बाहर निकलते हैं बाहर पे मेरी साइकिल पर ही कार चाहिए मैंने बात करके रखी हुई थी ओके ये खड़ी हुई तो थोड़ा बंद चलते हैं हमने नेक्स्ट टास्क के लिए और पुनः वत निकलते हैं उसको अनैन बाई तो गाइज अभी हम लोग जाने वाले हैं अपना नेक्स्ट टास्क की तरफ चूंकि होने वाले हैं रेस द वेल भाई साहब इन्होंने यहाँ पर फायर पैकेट जला के रखा हुआ था तो ये शायद से लाइब्रेरी बॉयज डॉम के अंदर ही है ओके बॉयज डॉम के अंदर गैरी है गैरी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं मुझे मिल जाए किसी दिन इसको सही से लपेटेंगे गाइस उसी जगह पर जहाँ पर इसने वैसा हमारी फाइट करवाई हमारी पीठ से बात हो रही है अब भी फिलहाल मेरी पीटर से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि भाई तुम दोनों मेरे दोस्त कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो क्योंकि क्योंकि पीछे छोड़ा ले उसके बाद हम लोग अपनी बाइक पे बैठेंगे तो अभी बाइक तो अभी गाइस फिलहाल हमें बाइक पे बैठ के ना अभी इससे तो हमने पीछे छुड़ा लिया है लेकिन अभी फिलहाल हमें बाइक पे बैठ के ना किसी रजिस्ट्रेशन पर जाना है जो कि हमें पीटर ने दी है राइट टू द बीच इन ओल्ड ब्रीवर्थ वेल्स ओके अभी हमें अपनी स्कूल से बाहर जाना होगा क्लास का टाइम हो चुका है लेकिन सही टाइम पे मैं स्कूल से बाहर निकल चुका हूँ क्योंकि क्लास फिलहाल हम लोगों को लेनी नहीं है हमें सीधे सीधे इस गेम को कम्प्लीट करना है ताकि बाकी गेम्स भी हम लोग खेल सकें क्योंकि ये गेम गाइस बहुत ज़्यादा लंबा है तो इसको अब मैं फटाफट से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को भी मजा और आप लोग भी बोर ना हो जाए एक टाइम से तो अब भी फटाफट से हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं ओके गाइस फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं और यहाँ इस पीटर के बच्चे ने मुझसे रेस लगवाने के लिए भाई यहाँ पर मुझे ना और गाइस ये अंडे कौन मार रहा है भाई साहब मुझे चॉकपॉइंट्स कलेक्ट करते हुए रेस को कम्प्लीट करना होगा इस साइकिल पर मस्त पहनते हुए लेकिन साइकिल को मैं पकाते हुए मैं ले तो जाऊंगा लेकिन आई एम सॉरी भाई ये सारे बच्चे भी बहुत तेजी से आ रहे हैं मुझे लगा सर जाना है लेकिन अभी तो फिलहाल इस पीटर के बच्चे ने मुझे एक रेस के अंदर फंसा दिया लेकिन मुझे ये रेस जीतनी पड़ेगी क्योंकि गाइस हम लोग को जरूरी है गेम का रूल है रूल ऑफ द गेम तो अभी फिलहाल आपके मस्त बाइक बताते हुए हम लोग सबसे टॉप पोजिशन पर चल रहे हैं और इस रेस का जो है वो टोटल एक ही लैप है जो कि अभी तो फिलहाल ख़त्म नहीं होने वाला मैं फर्स्ट पर हूँ बाइक लेके दूसरे बंदे भी मेरे से काफ़ी ज़्यादा करीब हैं मुझे अपनी बाइक मत से भगाती हुई मैं लेके जानी होगी क्योंकि वो लोग मेरे करीब कभी भी पहुँच सकते हैं और कभी भी मेरी साइकिल का बैलेंस बिगड़ सकता है तो इससे पहले साइकिल का बैलेंस बिगड़ो हमें पावत से अपनी रेस को करना होगा कम्प्लीट अभी फिलहाल हम लोग आ चुके रोड पर और पीछे से वो हमें अंडे मार रहे हैं भाई प्रोफेसर वगैरह बोल रहे होंगे जीविंग आना है वो शुरू होते क्लास से लेता था एंड में ये भी बिगड़ गया भाई ये हम डुबड़े नहीं हैं हम लोग शुरू सुधारने के लिए खुद ही भाई गलत रास्ते में चल पड़े दूसरों को सुधारना होगा बुलवत अकेडमी को इंसान वाली अकेडमी बनाना होगा वरना ये अकेडमी तो पूरी दुनिया को ऐसे ही निकल जाएगी भाई
उन्हें हर बच्चा बुली होता है और जो बुली करते हैं भाई उनको प्रिंसिपल कुछ नहीं कहता क्योंकि प्रिंसिपल देखो टाइम उनसे हवा निकल हुई होती है। फिलहाल अब भी तो रेस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं भाई, फुल ऑफ रोडिंग का सीन लग रहा है मुझे तो यहाँ पर क्योंकि वो लोग ऑफ रोडिंग उससे करवा रहे हैं। मैं अभी भी फर्स्ट पोजिशन पर चल रहा हूँ, बाकी तो थ्री रेसर से वो भी मेरे पीछे आ रहे हैं। मुझे अपनी स्पीड को बिल्कुल ही स्लो नहीं करना है क्योंकि भाई अगर मैंने अपनी स्पीड को बिल्कुल स्लो किया तो भाई वहाँ पर जो पीछे थे वो लोग मेरे पीछे वापस आ सकते हैं और हम लोग वहीं पर ही पहुँच गए जहाँ से हमने भाई रेस स्टार्ट करी थी और ये था फाइनल स्पॉट और हम लोग जीत चुके हैं विद फर्स्ट पोजिशन। तो यहाँ पर बाकी सब खुश हो चुके हैं और हमारा चेंजर वो पास हो चुका है। भाई साहब ये कौन सा बंदा है? Come and see me and buy my shiny bikes. I have your trophy. Okay. तो ये पीटर ने रेस नहीं करवाई थी, ये रेस बाइक शाइनी बाइक्स वालों ने करवाई थी। ओके तो ये गड़े फिलहाल हम लोग पीछे से भाई अपनी बाइक निकलवाते हैं जिन्हें जो हमने मस्त करके बनवाई थी भाई, जो कि सबसे तेज चलती है। पाई था ये एरेंज करने को बोल रहा है तो मैं इसके एरेंज नहीं करूँगा क्योंकि अभी फिलहाल मुझे टास्क करने हैं। ये एरेंज इतने ज़रूरी नहीं है 100% गेम कम्प्लीशन के लिए ये ज़रूरी होते हैं, पर अभी फिलहाल मैंने अपना नेक्स्ट टास्क स्टार्ट कर लिया जो गैप बीच रंबल। तो देखते हैं भाई क्या सीन है। तो गाइस अभी हमारी ट्रॉफी जो है वो रिक्की नाम का बंदा कोई ले गया है भाई, उससे अभी हमें ट्रॉफी वापस लेकर आनी है जो हमने रेस जीती थी लास्ट टाइम भाई। अभी कुछ देर पहले जो रेस जीती है उसकी ट्रॉफी कोई और लेके जा चुका है, मुझे तो नहीं लगता है ये रास्ता है क्योंकि रास्ता तो अमेजन पार्क को जाता है। ये बच्चा मेरे पीछे बात बात की क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब है? लेकिन अभी फिलहाल तो मैं नीचे जाने वाला हूँ क्योंकि उस रिक्की के बच्चे ने भी ट्रॉफी बनी छीन लिया। ओके ये लोग मेरे घर के अंदर क्या कर रहे थे? रियो को तो मैं यहाँ खड़े होकर बताता हूँ, फिलहाल तो साइकिल को यहाँ पर पार्क करते हैं और अभी इन लोगों को खुलते हैं। कौन है भाई इन सब को मुझे अपने हाथों पैरों से कूदना पड़ेगा क्योंकि अगर मैंने इन लोगों को वैसे कूटा ये गया एक लात और ये गया इसका गेम से बन रहा ना तू जरा भाई सर एक बंदा मेरी मदद भी करने आया, ये पेट में लामा संजय मुझे मारने आ रहा है लेकिन ये तो भाव मेरी मदद कर रहा था। इसको देखते हैं अभी पकड़ते हैं, ये जरा इधर तेरी तो ये पकड़ा और एक मिनट ओके सॉरी एक मिनट ये पकड़ा इसको ये गिराया और ये गेम खत्म। नहीं एक दफा पकड़ बचा ये थोड़ा सा बचा बस इसको रिवर्सल मारा और यहाँ से ओके पीछे देख इसको पकड़ा गिराया इसको एक झुटका मारा ये गया और मेन रिक्की का वो पीछे आ चुका है भाई। मेन बंदा ये है क्योंकि उसके ऊपर एरो हम हेड आ रहा है उसको तो हमने तोड़ दिया है बाकी ट्रॉफी मैन गॉड। ओ गाइस ये रिक्की नहीं था ये गॉड था, तो रिक्की कौन था भाई? गॉड ने हमारी ट्रॉफी लेके भागा था तो रिक्की कौन है भाई? बाइक रेसेस आर नॉट डन, द बाइक रेसेस आर ओपन फ्रॉम नून अंटिल 11 PM, लुक फॉर द ट्रॉफी ऑन द वर्ल्ड मैप टू साइन। ओके गाइस ये बाइक रेसेस है ये इतनी जरूरी नहीं है, फिलहाल अब भी हम लोग जाने वाले हैं टैट हाउस जो के करीब जो करीब मिशन है भाई उसको पहले फटाफट से कर लेते हैं। जनरल स्टोर का जो है वो मालिक है जो की वहाँ पर काम करता है, गो टू टैट हाउस। ओके भाई यहाँ पर मैंने अपनी साइकिल पार्क की हुई थी। ओके ये रही मुझे रसल के पीछे पीछे जाना है, इसका मतलब है भाई मुझे कोई मसला नहीं होने वाला क्योंकि रसल हमारे साथ काम करने वाला है। लेकिन अगर रसल हमारे साथ काम नहीं करता तब भी भाई साहब मैं जो हूँ अकेले ही बाकी बच्चों से निपट लेता, लेकिन अब भी फिलहाल रसल हमारे साथ आएगा टैट हाउस के लिए बिकॉज रसल में अब हमारा दोस्त बन चुका है। अगर हम लोगों ने उसे पीटा पहले पहले दोस्ती खराब हो जाएगी, लेकिन अगर किसी ने हम लोगों को आके हमारे साथ देख लोग की छेड़छाड़ी करी तो भाई रसल उसको नहीं छोड़ेगा। भाई तुझे क्या मसला है भाई? ये पुलिस वाला मेरे पीछे फालतू में पड़ा जाता है भाई, क्लास कर अबे क्यों कौन है बे, निकल यहाँ से निकल, ये मैं आप पता चला ये ले मैं गेट ओपन कर रहा हूँ अंदर जा रहा हूँ थ्रू एवरी ओपन विंडो। ओके जो कि विंडोज खुली हुई है भाई उनसे हमें एक एक एक्ट फेंकना है। पुलिस वाला फिलहाल शायद घर के अंदर, ये घर के अंदर क्यों आ रहा है?
ये पुलिस वाला भाई साहब घर के अंदर क्यों आ रहा है फालतू में? इसको तो इससे पहले पीछा छोड़ाते, उसके बाद एक्स फेंकेंगे। इन ओपन विंडो से जो कि भाई खुली हुई है घर के, बाद में हमें रसल के साथ ही एक फेंकने थे। रसल ही हमारे साथ ही खड़ा हुआ है, बाकी अगर कोई पंगा होगा तो वो हमें कुछ करेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को रसल के ऊपर एक नहीं मारना। ओके जी, ओपन विंडो, ओपन विंडो उस साइड पर है, तो यहाँ से हम लोग खड़े होकर एग्स डेली फेंक सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग भाई अपनी एम मोड में चले जाएंगे और यहाँ से एग्स अंदर फेंक देंगे। गाइस अभी फाइनली मैंने सब सारे अंडे जो है वो हर ओपन विंडो के अंदर फेंक दिए हुए हैं, और अभी फिलहाल मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, क्योंकि पर्सन तो वहीं पर बैठा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मुझे जाना होगा नेक्स्ट टास्क के लिए, जो कि भाई हमारा होने वाला है शायद से बॉक्सिंग चैलेंज और दूसरा कुछ है, तो अभी फिलहाल वाले चैलेंजेस करने चलते हैं। बाकी शाम के 7 बज रहे हैं, तो थोड़ा वक्त है भाई वो वाले चैलेंज करने चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर इस मोटे जिम के सर ने मुझे बोला है कि हमारा जो जिम के सर है भाई, मैंने नेक्स्ट टास्क स्टार्ट कर लिया है, लेकिन जिम के सर ने मुझे बोला है कि भाई मुझे डल स्टॉर्म के अंदर एंटर हो के कोई पीसेज ऑफ क्लोथ निकालने हैं या पता नहीं क्या चीज़ निकालनी है, जो कि होने वाली है भाई पता नहीं क्या, लेकिन अभी फिलहाल इससे मुझे जो काम बोला है मुझे वो फटाफट से करना होगा। और तो गाइस फाइनली मैं गर्ल्स टॉम के बैक साइड पे पहुंच चुका हूँ, और यहाँ स्टेयर्स हैं भाई फर्स्ट फ्लोर पर जाने की, बल्कि सेकंड फ्लोर पर जाने की, तो उस सेकंड फ्लोर पर जाके मैं स्नीक करके गर्ल्स टॉम के अंदर घुस जाऊँगा, और मुझे उन पीसेज ऑफ लॉन्ड्री को कलेक्ट करना है। बाय द वे यहाँ पर कितनी ज़्यादा गंदगी है भाई कि साफ साफ नहीं करती, और मुझे उस टीचर से भी बच के रहना पड़ेगा जो गर्ल्स टॉम के अंदर होती है नॉर्मली, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वही मुझे गर्ल्स डॉल से बाहर फेंक देंगी, और ये काम अभी फिलहाल 10:30 हो रहे हैं, 10:35 ऐसी टाइम हो रहा है, 10:35 PM होने वाले हैं, और मुझे 2 AM से पहले पहले ये टास्क कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई 2 AM पे जिमी जो है उसको नींद आने लग जाती है और वो एकदम गिर जाता है। तो अभी फिलहाल मैप में मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कि टीचर जो है वो अभी अभी इस रूम में एंटर हुई हैं और बिल्कुल मेरे करीब हैं, तो फटाफट से मैं सारी लॉन्ड्री पीसेस कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस मैं यहाँ पर लास्ट पीस ऑफ लॉन्ड्री कलेक्ट करने के लिए आया हूँ, पर वो मुझे मिल नहीं रहा। ओके ये मिल गया है, और बच्ची ने यहाँ पर शोर मचा दिया है कि लड़का यहाँ पर कोई आ गया, इस जैट जिमी, और फायर अलार्म बजा दिया भाई साहब कि जिमी अंदर आ चुका है। We are being watched. Okay, मैं वापस ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से एस्केप करना होगा। एक मिनट, वाले रूम का दरवाजा ही बंद है भाई, इससे पहले कोई टीचर्स मुझे देखे मैं इधर से निकल लेता हूँ चुपचाप से। नो, अगर वो टीचर मेरे पीछे आ गई बहुत ज़्यादा मसला होने वाला है। बाय द वे वो रूम कहाँ चला गया जिससे मैं अंदर आया था भाई साहब? ओके विस टाइम आई एस्केप, मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द टीचर। ओके स्टेयर दिस तरफ है, ओके अब मैं नीचे उतर चुका हूँ, दूसरी वाली एंटी भी इधर ही है, लेकिन गर्ल्स डॉम का ओ छोड़ 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 टीचर, गर्ल्स डॉम का दरवाजा इधर है और मैं निकल चुका हूँ भाई, हर जगह पर पानी पानी हो रहा है, देख द लॉन्ड्री में मिस्टर बैठे। ओके ये काम मुझे 2 AM से पहले पहले करना है, क्योंकि अब छोड़ तू डनिया सॉ आ जा मेरे पीछे आ तू, छोड़ 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 तुझे छोड़ भाई साहब, सर वो खड़े ना सर, सैम सैम सर आप छोड़ निकल यहाँ से, प्रीफेक्ट बनाया मुझे पकड़ने वाला, मेरी सर से बात हो रही है, छोड़ जाओ सर ने मुझे बुलाया 12 बजे। ओके गाइस सर हमें बादल बनाता हुआ निकल चुका है यहाँ से, और अब भी हमारा मिशन पास हो चुका है, तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और अब भी बॉक्सिंग चैलेंज अवेलेबल है, लेकिन 2 AM पे भाई जिमी जो है गिर जाता है, तो इसलिए हम लोगों को सोने चलना होगा बड़ा वक्त है अपने बॉयज रूम में। ओए छोड़ तेरी तो उसको भी अभी पूछते हैं, ये ले अभी बताता हूँ उसको, ये ले निकल यहाँ से मारेगा मुझे, बड़ा वक्त से चल लेते हैं भाई सोने, और अब भी अपना गेम
वॉयलेंस काफी ज्यादा फैला दिया मैंने, तो फटाफट से छोले सो लेते हैं बड़ा बच्चे यार। सो जाओ भाई साहब, लेट्स गो गाइस। अब भी मैंने अपना नेक्स्ट टास्क स्टार्ट कर लिया और साथ ही साथ बर्फ भी पड़नी शुरू हो चुकी है भाई, काफी ज्यादा अजीब सा समय है। मेरी क्लास का टाइम हो चुका है इसलिए पुलिस वाला भी अब मेरे पीछे पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल पीटर ने मुझे बोला है कि मुझे जाना है बॉक्सिंग क्लब और वहां पर उन बच्चों को पीटना है जो कि ब्लू कलर के स्वेटर में फिर रहे होते हैं। आप लोगों ने उनको देखा होगा, काफी अमीर बच्चे हैं इसलिए आज वो लोग बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग करते हैं। उनके घर भी हम लोग गए थे, अंडे मारे थे हम लोगों ने भाई उनके घर के अंदर। तो अभी बोला यहाँ पर वो रिस्क सारे के सारे एक साथ छोड़ोगे भाई साहब, और बॉक्सिंग में देखते हैं भाई, देखते हैं क्या करना है। ओके बॉक्सिंग में हमने तीन राउंड या चार राउंड चार बच्चों को वैसे दिया था, लेकिन इस दफा हम लोगों को इसके अंदर दोनों है इस 15 ओके गाइस, ये काफी ज्यादा इजी भी और काफी ज्यादा मुश्किल भी, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए हम लोगों को, लेकिन अब भी फिलहाल तो हम लोग इसको पीटते रहेंगे, जगह नहीं देंगे भाई साहब इस पर, वही को भी मारने की जगह नहीं बोलिए इसको। अभी इसकी हेल्थ मैं काफी कम करते जा रहा हूँ और ये मेरे लिए काफी अच्छा है क्योंकि बिफ टेलर की हेल्थ मैं काफी कम कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर मैंने पहले वाले बंदे को तो मूव डाला है बहुत जगह और अभी हम लोग अपनी बड़ाई पेश कर रहे हैं भाई के, और अभी बीट द रेस्ट वर्क द वर्क गॉट हियर जस्ट बी अ बिफ ही इज आवर न्यू चैंपियन व्हाट ही इज बी अ न्यू चैंपियन बी अ न्यू चैंपियन ट्रस्ट मी। ओके अभी ज्यादा अपनी बात करते रहेंगे, फिलहाल अभी शायद किसी और से भी मैच होने वाला है मेरा। यो गाइस सॉफ्टन इन अप गाइस, अभी हमने अभी चैंपियन बनने पर लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और ये सारे के सारे अब हम ये से मारने आ चुके हैं, लेकिन हम भी कोई बच्चे नहीं है भाई, इन लोगों को ऐसा फूटेंगे ना भाई। जिम की क्लास लेकर आए एक्सरा हम लोग इसलिए लेते थे, जो इसने मुझे अंडा मारा ना इसको मैं ऐसा अंडा मारूंगा, इसको पकड़ो ये पकड़ा इसको गिराया और ये ले तेरी, तो आजा आजा दोबारा दोबारा इसमें खड़े होने इसके फिर गंदा दूंगा, ये ले ये गिराया एक मुक्का दो मुक्का तीन मुक्का चार मुक्का पांच मुक्का ये ले नॉट बैड। और कौन है ऊपर जाना है क्या, आ जाओ जाओ तू भाई आजा आजा तू आएगा ये ले बोले इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा ये ले भाई साहब खत्म। और कौन है वो डैश कौन है वो जो आया था अभी इसको मैं बता रहा हूँ डैश वो उसका नाम ही खो भाई। I'm leveraging the assets I have and you don't. Friends. गाइस ये म्यूजिक तो अभी देख रहा था नहीं कहाँ से आ रहा है, ये म्यूजिक तो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन अब भी इसको गुदने वाले हैं। डर्बी के बच्चे ओ तेरी भाई साहब डर्बी वो है डर्बी ये ओके डर्बी ये भाई साहब पहले इस इसको पहले एक मिनट पकड़ते हैं और कूदते हैं इसको पहले एक मिनट पीछे हो जाओ एक मिनट अरे ये तीनों नहीं क्या कूट रहे हैं, पहले जिसकी हेल्थ सबसे कम है उसको ठिकाने लगाते हैं, उसके बाद बारी इसकी अंडे वाले तेरी तो ये ले एक को पकड़ लेते हैं यहाँ पर किसी एक को पकड़ के ना सही से कूटेंगे बाद अगर इसको यहाँ पर पकड़ लेते हैं यार यहाँ तो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो रही है ये ले इसका गेम खत्म अंडे वाले का। अब तू बोल बेटा इधर आ ये अंडे मैं ले लेता हूँ यहाँ से बाय द वे वो है कहाँ पर गई वो अंदर घुस चुका है भाई साहब ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं एक मिनट इसको तो मैं देखता हूँ ये ले ये देर तक बैठा रहेगा जब तक हम पीछे आने को देख लेते हैं इसका तो काम खत्म एक मिनट डर्बी पीछे बैठा हुआ है ना भाई डर्बी को पहले मारते हैं क्योंकि वो लड़के तो आते ही जाएंगे इस डर्बी को पहले ख़त्म करना होगा आप लोगों को बाकी सबको छोड़ो डर्बी को मारो गाइस फाइनली इसकी हेल्थ में कम करता करता बहुत कम तक गया और फाइनली इसको कूट दिया भाई भाई ये लड़के तो आने का कम होने का नाम ही नहीं ले रहे डर्बी को मैंने अकेले मार दिया क्योंकि अगर इन लड़कों को मारा था ना भाई तो वो लड़के आए जा रहे थे ऐसा लग रहा था मशीन लगी हुई थी पीछे इनको बनाने की लेकिन अभी फिलहाल फाइनली गाइस मैंने डर्बी को कूट डाला और अब इस मालिक तो मैं हूँ I can't hear you, rich kid.
गाइस यहां पर इसकी बात बात चल रही है, ये बोल रहा है हु इज द बॉस नाउ बाय जिमी इज द बॉस। कमेंट में लिखो जिमी इज द बॉस, जिमी इज द बॉस, जिमी इज द बॉस। Now, don't okay, guys, welcome to chapter 3. Let's make the walls go around. तो यहाँ पे हमारे लिए मैप पे कुछ और चीजें अनलॉक हुई है, न्यू कॉन्वेंट्री। Trust fun, baby. Go entry, okay. It's time to turn my attention to their sworn enemies, those greaseball kids. Okay. Guys, वो greaseball kids हैं जो मसाले के रहते हैं। You taught those rich scum a lesson? Okay. चैप्टर 3 भाई हमारा अनलॉक हो चुका है और अब हम लोग बड़े पैमाने पे गेम करने वाले हैं भाई साहब। यहाँ पर से मैं केमिस्ट्री साइड से अपना कुछ कुछ बना लेता हूँ केमिस्ट्री में। भाई तो भाई यहाँ पर अंडे पड़े हुए हैं लेकिन स्टिक्स बॉक्स मैंने बना लिए हैं, लेकिन यहाँ पर फायर क्रैकर्स जो हैं वो फायर क्रैकर्स बन चुके हैं। अंडे की मैक्सिमम कैपेसिटी है और अब हमारा मुकाबला होने वाला है भाई साहब बड़े बंदों से, एक ग्रीस बॉल किट से। अभी तक फिलहाल हम अमीर बच्चों से लड़ रहे थे, पहले हम चैप्टर 1 में वाइट गैंग से लड़े जो की थी रसल की गैंग, उसको हमने डिफीट किया और वो अब हमसे पंगा नहीं लेती। चैप्टर 2 की इस वीडियो में गाइस हम लोगों ने डिफीट किया भाई उन विच किट्स को जो कि अपने बड़े बड़े मैंशंस के अंदर रहते हैं, और उन सब को भी हमने धो डाला भाई बहुत ही गंदे तरीके से, और अब वो हमारे जूतों के नीचे हैं। तो अब वक्त आ गया भाई ग्रीस बॉल किट्स का, लेकिन आज के दिन नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर 2 की गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो के साथ साथ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा दो, और कमेंट्स में जिमी द बॉस, जिमी द बॉस, जिमी द बॉस कमेंट जरूर कर देना। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस लेटर।